टाइम ट्रैवलिंग की दो सच्ची घटनाएं जिन्हें देखने के बाद शायद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है। नंबर वन, चार्ली चैपलिन फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक वीडियो लोगों के सामने आया जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा हैरान किया, क्योंकि इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि एक महिला कोई काले रंग का उपकरण अपने कानों में लगाकर बातें कर रही है जो कि एक स्मार्टफोन है। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि ये शूट सन 1928 का है जबकि दुनिया में मोबाइल फोन का आविष्कार सन 1973 में हुआ था। इस महिला के बारे में काफी पूछताछ की गई लेकिन किसी ने भी इसे नहीं पहचाना, जिसके बाद इस घटना ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जरूर ये महिला एक टाइम ट्रैवलर रही होगी जो भविष्य से समय में पीछे आई होगी। नंबर टू, 2004 में एक चाइनीज आर्कोलॉजिस्ट को 400 साल पुराने एक पत्थर को तराशने पर एक अंगूठी के आकार की घड़ी मिली जिसमें समय 10:06 पर रुका हुआ था। जब उसने इस घड़ी को बारीकी से जांच की तो पता चला कि ये घड़ी स्विट्जरलैंड में बनी है। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि 400 साल पहले स्विट्जरलैंड का पृथ्वी पर कोई अस्तित्व ही नहीं था, तो ये घड़ी स्विट्जरलैंड में कैसे बन सकती है। उसने जब ये घड़ी अपने दोस्तों को दिखाई तो उन्होंने भी ये माना कि ये घड़ी जरूर किसी समय यात्री की रही होगी।